जी बताओ कहाँ पैसा बा भेज दे वेतन बाप का। अरे टेंशन न ले भेज भेज जाने मेरा भाई मगर में जी को कतो कोदार की देगा मुझे ना जी कतो का थोड़ा पाई पाई पैसा दे भाई मगर मगर भेज दे। हां भेज दे भेज दे टेंशन ना ले तो मगर में जी बस खाली का बे मलवक मो लागत है भाई खुद कतो कोदार के औलाद के तो कतो कुल बात है मगर बस भाई मुझे दे दे हाँ भेज दे टेंशन न ले पागल ना बन मोर गुड़वा ना बगा ठीक है अल्लाह ताला से दुआ कर ठीक है ना कुल कामयाब सही हो ये ठीक है ना अल्लाह ताला से दुआ कर बस कुल हो ये सही। पागल रूमो वाले सुनिए काओ कहिए हाँ तो रुकवे तो से कहो खाओ पियो चुप मारी के रहो तो का काम करे भेजत बा क्यों बताओ काम करे ताई के भेजत बा कि फरुआ चलाओ थे काओ करते बताओ आए काओ करते कुछ ना करते न हाँ भेज दे इंशाल्लाह ठीक है ना अल्लाह ताला दुआ प्रार्थना करा ठीक है ना भेज दे ऐसे कोनो बात ना है अल्लाह कसम भेज दे जब तक काम करे तो का के भेज देवा है काम करे ना भेज देवा ना क्यों बताओ पगले की तू मर्द के जन्म लिया चूतिया है हिजड़ा के जन्म ले चाहे तरा ठीक है बगल घर वाले इनका परेशान करा ये बगल हमें परेशान करा माई बाप सब परेशान हो मेरा चरचट्टी लड़का है तोरे आँख का पट्टा ना खुल दुआ ठीक है खुली खुली समय आए खुली ठीक है तब कहबा कुछ ठीक है चला ठीक है चुप मारे रहा ठीक बा टेंशन न ले छोड़ पागल गोड़वा काम और पकड़े छोड़ गोड़वा से कौन मतलब पगला अल्लाह ताला दुआ करा कि अल्लाह ताला इनका पैसा कौड़ी देवावा मिल जाए तुरंत भेज दे ठीक है या पागल। ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है लेकिन ये वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी आप अपने घर से कदम बाहर निकालते हो किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में पैसा कमाने के लिए जॉब करने के लिए तो आपको शुरुआती दौर में कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको आती हैं चाहे आप किसी भी जॉब के पर्पस से जा रहे हो किसी भी गल्फ कंट्रीज़ की मैं बात करूँ चाहे कुवैत हो बहरीन हो आपका सऊदी हो कतर हो ओमान हो दुबई हो कहीं भी किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में जा रहे हो शुरुआती दौर में आपको घर परिवार अपना देश अपना वतन अपने दोस्त यार सब कुछ याद आता है और वहां के जैसे आपको यहां पर कुछ नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत से लोगों को दिल में तकलीफ होती है बहुत से लोग दिल से रोते हैं बहुत से लोग आंसू के साथ रोते हैं लेकिन दरअसल बहुत से लोग जल्दी समझ जाते हैं और जल्दी ढल जाते हैं। वैसे फिलहाल हम लोग की फितरत ही है कि हर वक्त के हिसाब से अपने को ढाल लेना ही बेहतर है क्योंकि इस चीज से यानी कि रोने धोने से काम नहीं चलने वाला कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा क्योंकि ऑलरेडी आपकी फैमिली ने भी आपको भेजने के लिए अच्छा खासा रुपया खर्चा किया है उधार भी लिया है उसकी भी जिम्मेदारी है फैमिली की भी जिम्मेदारी है। तो एक जिम्मेदार आदमी जो है इस तरीके से कदम ना उठाए और रोने धोने से कोई काम नहीं चलता है। फिलहाल आप जब घर से कदम बाहर निकाले हो तो ये मान के चलो आपको इस तरीके से तकलीफ होने वाली है। अगर अभी आपको लगता है कि मुझे इसी तरीके से गुजरना पड़ेगा तो आप जो है बेहतर है कि इंडिया में ही आप काम करो किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं ना क्योंकि इंडिया में किसी भी कोने में रहोगे तो आपका दिल घबराएगा आप भाग के घर आ सकते हो लेकिन कब तक आओगे भाई एक ना एक दिन तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जब परिवार की जिम्मेदारी इस तरीके से पड़ेगी कि आपको निभाना पड़ेगा तो ऐसी कंडीशन में सब कुछ सहना पड़ता है। और गल्फ कंट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है किस किस जॉब के हिसाब से प्रॉब्लम्स आती है उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है आप जाकर के देख सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुवैत देश से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन और गल्फ से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों से छूट ना जाए बेहतर है कि अभी सब्सक्राइब करो और अपडेट रहो हर एक चीज से।